लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लिए वित्तीय कामकाज से जुड़े ठिकानों पर इसराइल ने हमले की चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि इन जगहों पर रहने वालों को तुरंत वहां से कहीं और चले जाने के लिए आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। यह अलर्ट मिलते ही बेरूत के सैकड़ों निवासी रविवार देर रात अपने घर छोड़कर भागने लगे। इसराइली चेतावनी के तुरंत बाद धमाकों की आवाज भी सुनी गई। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में आग की तेज लपटें भी देखने को मिली। हालांकि इसके चलते किसी के हताहत होने की अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि घबराई हुई भीड़ ने बेरूत के कुछ हिस्सों में सड़कों पर जाम लगा दिया, जिससे अधिक संख्या में लोगों के बाहर आने पर अफरा तफरी का माहौल नजर आने लगा। ये सभी सुरक्षित समझे जाने वाले इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता ने एक्स पर कहा कि IDF हिजबुल्लाह अल कर्द अल हसन एसोसिएशन से जुड़े ठिकानों पर हमला करने वाला है, इसलिए चेतावनी दी जा रही है कि लेबनान के लोग ये जगह खाली कर दें। अमेरिका भी कहता रहा कि अल कर्द अल हसन संगठन के लोग ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के वित्त का प्रवर्धन करता है। पूरे लेबनान में इसकी 30 से अधिक शाखाएं हैं, जिनमें से 15 मध्य बेरूत और उसके उपनगरों में घनी आबादी वाले हिस्सों में है। अब इजरायली सेना का अगला टारगेट यह संगठन बताया जा रहा है, जिसे पूरी तरह से तबाह करने का प्लान है। आपको बता दें, इजरायल की वायुसेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में बहमन अस्पताल के पास हरेत हरीक नगर पालिका पर 2 हमले किए। लेबनानी मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। न्यूज एजेंसी ने बताया कि बहमन अस्पताल के पास एक आवासीय इमारत पर हमला किया गया। शनिवार को बताया गया कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में 10 इजरायली हवाई हमले हुए, जिसमें कई आवासीय इमारतें नष्ट हो गईं। बता दें कि इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष की शुरुआत के बाद से लेबनान पर इजरायली हवाई हमले से मारे जाने वालों की संख्या 2448 पहुंच चुकी है। वहीं 11471 लोग घायल हुए हैं। लेबनानी मंत्रिपरिषद में आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई की ओर से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में 30 लोग मारे गए हैं और 135 अन्य घायल हो चुके हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।